अरे विद्यार्थियों, आज हम डिप्लोमा थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के कोड EL301 के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट जेफेट एंड मॉसफेट एम्पलीफायर के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम जेफेट मॉसफेट एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन और उसकी वर्किंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जेफेट का फुल फॉर्म है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और मॉसफेट का मतलब है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और एम्पलीफायर का मतलब है ऐसी डिवाइस जो एम्पलीफिकेशन का कार्य करती है, किसी सिग्नल को प्रवर्धित कर देती है। जैसा कि आपको पता है, ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, BJT और FET। BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं, जबकि FET फील्ड जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं। BJT में एक PN जंक्शन होता है, FET में दो PN जंक्शन होते हैं। BJT बाइपोलर, जैसे नाम से पता चल रहा है, यानी दो कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होल दोनों द्वारा करंट कंडक्शन का काम करती है, जबकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में एक ही कैरियर द्वारा करंट कंडक्शन होता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है या फिर होल्स का फ्लो होता है, जबकि BJT में दोनों का साथ साथ फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स होल्स का। BJT करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, जबकि FET वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। तो पहले बात करते हैं FET की, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, ये इनमें नॉइज़ बहुत कम होता है, और ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। साथ ही इनकी जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक है वो इनपुट वोल्टेज जो गेट पर दी जाती है उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। जबकि BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, इसकी इनपुट इम्पीडेंस लो होती है, ये नॉइजी होते हैं, और ये इनके करंट कंट्रोल डिवाइस के रूप में इन्हें जाना जाता है, और इनकी आउटपुट करेक्टरिस्टिक बेस करंट द्वारा नियंत्रित की जाती है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो टाइप्स के होते हैं, जेफेट जो फिर आगे दो टाइप के बन जाते हैं, एन टाइप और पी टाइप, या एन चैनल और पी चैनल टाइप जेफेट। मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी दो प्रकार के होते हैं, डिप्लेशन टाइप और इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की तीन टर्मिनल्स होते हैं, जिनके नाम है ड्रेन, सोर्स एंड गेट। सोर्स जैसे जिसमें से मान लीजिए कैरियर्स जनरेट होते हैं, ड्रेन से पास होते हैं, और गेट से एक एंट्री और होती है करंट की, जो पूरे चैनल विड्थ को में से प्रवाह होने वाले करंट को कंट्रोल करता है। इसमें करंट कंडक्शन यानी करंट का बहाव एक सिंगल कैरियर द्वारा होता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स द्वारा होगा या फिर होल द्वारा होगा। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं और होल्स पॉजिटिव टाइप होते हैं, और ये जो बहाव है करंट का वो लगातार एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो गेट और कंडक्टिंग चैनल के मध्य लगाई जाती है के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड गेट और सोर्स के मध्य लगी हुई थी वो इसको करंट के बहाव को नियंत्रित करती है, इसलिए इसका नाम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर रखा गया। FET या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की नॉइज़ कम होती है, जबकि हाई इम्पीडेंस होती है, और इन्हें वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। FET को इसकी FET की जो कंस्ट्रक्शन वो इसका बताया कि ये एन टाइप या पी टाइप सिलिकॉन बार द्वारा निर्मित होते हैं, जिनमें दो PN जंक्शन लगे होते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शा रखा है।
एक सिलिकॉन बार जो सेंटर में दी है, ये सिलिकॉन बार हो गई बीच में, जो एन टाइप है इसलिए एन टाइप चैनल कहलाती है। पूरा जो एरिया एन चैनल कहलाता है, ये बीच वाला भाग पूरा एन चैनल है। और सेम पोजीशन पी टाइप चैनल के लिए होते, पी टाइप में ये पी बार है पूरे में। और इसमें ऐसा लगता है कि दो डायोड्स आपस में आंतरिक रूप से कनेक्टेड रहते हैं और एक कॉमन टर्मिनल होता है। यहाँ पर देखो ये जो पी चैनल है, पी टाइप जो मटेरियल है, ये एन टाइप बार में लगा हुआ है। ऐसे ही इधर पी टाइप मटेरियल एन टाइप बार में लगा होता है, यहाँ पी एन जंक्शन का निर्माण होता है इस क्षेत्र में, इन दोनों के बीच में। ये साथ ही डिप्लेशन रीजन भी यहीं बनता है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ डैश डैश, यहाँ पर इनके मध्य डिप्लेशन रीजन भी यहीं तैयार होता है। डिप्लेशन साइज कम और ज़्यादा होती है गेट पे जो सप्लाई दी जाती है वोल्टेज, उसके द्वारा नियंत्रित होती है डिप्लेशन रीजन। तो दो डायोड्स इंटरनली कनेक्ट होते हैं कॉमन टर्मिनल द्वारा यानी गेट द्वारा, और ये एक पी टाइप या एन टाइप चैनल सहित एक FET या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हैं। ये चूंकि पहले वाला N चैनल है क्योंकि इसमें N और दूसरे वाला ये है पहला है N चैनल क्योंकि N बार लगी है, दूसरा है P चैनल क्योंकि उसमें P बार लगी हुई है। JFET polarities, junction field effect, gate always reverse bias रखा जाता है और terminals D और S are interchangeable होते हैं जो low frequency के लिए valid होते हैं। यहाँ पर ये VGS यहाँ इस सिरे पर लगाया जाता है और जो रिवर्स बायस में लगा हुआ है यहाँ नेगेटिव शिरा है और ये पॉजिटिव, पी से नेगेटिव शिरा है और नेगेटिव से पॉजिटिव शिरा जुड़ा हुआ है इस वोल्टेज सोर्स का। और ड्रेन यहाँ पर ये डी है और नीचे एस है, डी और एस के बीच में वीडीएस लगी हुई है और ये इंटरचेंजेबल, डी यहाँ डी है तो इसको नीचे डी लग सकते हैं और ऊपर एस भी रख सकते हैं, ये इंटरचेंजेबल है और लो फ्रिक्वेंसी के लिए काम करता है। वर्किंग फॉर एन चैनल JFET यानी एन टाइप अगर सिलिकॉन बार लगी है JFET में तो एन चैनल है। जब VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं और गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS जीरो रखते हैं तो PN जंक्शन बार जो दोनों तरफ है उसमें एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट होती है। मैंने पहले बताया डिप्लेशन लेयर के बारे में, ये डिप्लेशन लेयर है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर डिप्लेशन लेयर का निर्माण होता है इन जंक्शन के दोनों तरफ और डिप्लेशन लेयर जो बनेगी इसमें इसकी मोटाई का निर्धारण करंट फ्लो पर प्रभाव डालता है। तो पीएन जंक्शन दोनों पीएन जंक्शन के अंदर डिप्लेशन लेयर बनती है और इलेक्ट्रॉन्स सोर्स टू ड्रेन चैनल के अंदर बहते हैं। यानी
सोर्स यहां अंदर अंदर इसमें से इस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और यहाँ होल्स का फ्लो इस तरफ होता है। तो बीच में ये एक एन चैनल में तो इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं और पी चैनल में होल्स बह रहे हैं और ये दोनों डिप्लेशन लेयर के मध्य में ये सारा काम हो रहा है। चैनल की जो विड्थ है बार चैनल की विड्थ वो सीधी डिप्लेशन लेयर्स जो दोनों तरफ पीएन जंक्शन बनती है उसकी साइज पर निर्भर करती है और करंट को सीधा नियंत्रित करती है। जब VGS का मान गेट टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाया जाता रिवर्स बायस में तो डिप्लेशन लेयर्स विड्थ बढ़ जाती है, इससे चैनल विड्थ घटती है, तो इससे चैनल रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ जाता है और ड्रेन करंट है वो घट जाता है। जो चैनल के मध्य से गुजर रहा है उसका मान घट जाता है। जब VGS यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज होता तो डिप्लेशन लेयर विड्थ यानी DL विड्थ बढ़ती है और चैनल विड्थ घटती है और रेजिस्टेंस का मान इससे बढ़ जाता है और करंट का मान घट जाता है। और VGS का मान अगर घटाया जाता है तो डिप्लेशन लेयर विड्थ घट जाती है, चैनल विड्थ बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस का मान घट जाता है और चैनल में से जो करंट बहता है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस घट रहा है इसलिए करंट बढ़ेगा। देयरफॉर करंट कंडक्शन इन चैनल इज कंट्रोल्ड बाय वोल्टेज VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज द्वारा, इसलिए करंट का कंडक्शन नियंत्रित किया जाता है। और VGS एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो गेट पर अप्लाई होती है, इसलिए इस डिवाइस का नाम भी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस पड़ गया है। यानी इस डिवाइस को हम वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के रूप में भी जानते हैं और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के ऊपर भी ना जानते, क्योंकि गेट के ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई की गई है गेट टू सोर्स वो रिवर्स बायस होकर करंट के बहाव को नियंत्रित करती है। अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज का मान बढ़ा देंगे तो करंट का मान ऑटोमेटिकली घट जाएगा क्योंकि चैनल विड्थ सिकुड़ जाएगी। और जब गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS का मान अगर घटाते हैं तो चैनल विड्थ बढ़ जाती है, इसलिए करंट का मान भी बढ़ जाता है। पी चैनल FAT में सभी पोलरिटीज को रिवर्स करके और करंट कंडक्शन होल द्वारा करके सेम वर्किंग जैसे ऊपर बताए गए वैसे ही यहाँ पर भी होती है, केवल पोलरिटी बदल जाती है और कंडक्शन होल्स के द्वारा होता है न कि इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। पी चैनल FAT के अंदर JFET रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VGS, यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो रेजिस्टेंस का मान है जो चैनल विड्थ के अंदर होता है वो सीधा VGS के समानुपाती होता है। यानी VGS बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है तो करंट घट जाता है, जब VGS घटता है तो रेजिस्टेंस भी घट जाता है और करंट बढ़ जाता है, यानी करंट का फ्लो बढ़ जाता है, यानी ड्रेन करंट बढ़ जाता है। JFET को एक वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर के रूप में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये वोल्टेज वेरिएबल की वजह से रेजिस्टेंस के मान में चेंजेस होता है, इसलिए JFET वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और जो एन चैनल JFET है उनके सिंबल्स और पी चैनल JFET के सिंबल्स नीचे दर्शाए गए हैं। यहाँ पर ये एन चैनल JFET है जिसमें ये गेट जी और ऊपर ड्रेन डी और सोर्स एस, यहाँ करंट अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है तीर का, ये है एन चैनल JFET। इस पी चैनल JFET में करंट का एरो बाहर की तरफ है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है ड्रेन और सोर्स के ऊपर, ड्रेन का टर्मिनल नीचे सोर्स का टर्मिनल है और गेट जी के रूप में दर्शाया गया है। तो ये पी चैनल JFET है और ये एन चैनल JFET का सिंबल है, तो ये आपको याद रखने हैं ताकि इनकी पहचान की जा सके।
इसके बाद अगला इसकी करेक्टरिस्टिक गुणधर्म और उनके ऊपर आगे बात करेंगे। तब तक के लिए विराम देते हैं। धन्यवाद।